अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत डिमांडिंग टॉपिक लेके आए हैं और इस पर हम बात करने वाले हैं। ये टॉपिक कंट्रोवर्शियल भी है और लोगों को इसके बारे में बहुत सारे सवालात भी हैं। कुछ लोग इसकी फेवर में हैं, कुछ लोग इसके अगेंस्ट हैं। बट एज ए डिस्क्लेमर हम आपको ये बता रहे हैं कि इस जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हम ना इसकी फेवर में हैं ना इसके अगेंस्ट हैं। हम सिर्फ एक्चुअली वो प्रॉब्लम्स आपके सामने लेके आना चाह रहे हैं और उनके कुछ सॉल्यूशंस आपको ऑफर करना चाह रहे हैं, जो कि इस तरह के रिलेशनशिप्स में यूजुअली देखे जाते हैं या जिसको लोग फेस करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जो कि फर्स्ट और सेकंड मैरिज के कहीं बीच में फंसे हुए होते हैं, या फर्स्ट वाइफ वर्सेस सेकंड वाइफ में क्या सिचुएशन होती है, किस तरह की चीज़ें होती हैं, इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है बट बहुत डिमांडिंग, हाईली डिमांडिंग टॉपिक है और बहुत रिक्वेस्ट के बाद जो है हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स ने हमें रिक्वेस्ट किया कि इसके ऊपर बात की जाए, तो इसलिए हम आपके सामने आज ये टॉपिक लेके आए ताकि आपकी भी राय इसके बारे में ली जा सके और अगर आपके कोई सवाल आते हैं तो हम उनको एड्रेस कर सकें। और फिर यूजली जो मैं देखती हूँ अपने क्लिनिक के ऊपर इस तरह के बहुत सारे केसेस क्योंकि आते हैं जिन्होंने सेकेंड मैरिजेस होती हैं। सेकेंड मैरिज का मतलब डज नॉट मीन के एक डाइवोर्स हो चुकी है एंड देन यू आर गेटिंग अगेन मैरिड, यानी दूसरी शादी करने की बात नहीं है। हैविंग टू वाइफ्स एट द सेम टाइम हम इस वक्त बात कर रहे हैं, यानी वो लोग जो कि दो शादियां एट द सेम टाइम करते हैं और फिर उसमें चीज़ें किस तरह से होती हैं उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। बेसिकली एक तो सबसे पहले ये डिसीजन करना कि आपने सेकेंड मैरिज जो है वो करनी है या आप दूसरी शादी करना चाहते हैं। उस टॉपिक पे जाने से पहले तो मैं खुद भी आपको ये चीज़ बताऊंगी कि मेरी अपनी एक वेबसाइट है जिसका नाम जो है वो दूसरी-शादी.com के नाम से मैंने अपनी खुद वेबसाइट लॉन्च की हुई है। बिकॉज मैं देखती हूँ कि मॉशरे में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फैल चुकी हुई हैं। फिर दोबारा ये कह रही हूँ कि मैं दूसरी शादी के हक में नहीं हूँ, ना ही मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं सिर्फ अपनी सर्विसेज के हवाले से चीज़ें जो है वो कर रही हूँ और ना मैं इसको प्रमोट नहीं कर रही कि लोगों को सेकेंड मैरिज करना चाहिए। मैं इसके अगेंस्ट नहीं जा रही कि वो लोग जो करना चाहते हैं वो इसको ना करें, क्योंकि हर इंसान की सेकंड मैरिज करने की अपनी कुछ वजूहात होंगी और कुछ लोग जो हैं जो इसके खिलाफ हैं उनके इसके खिलाफ होने की अपनी कुछ जो है रीजंस जो हैं वो होंगी। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। सो आप में से कोई लोग भी जो है सेकेंड मैरिज में इंटरेस्टेड हों तो दे कैन ज्वाइन आर वेबसाइट जो कि दूसरी-शादी.com के नाम से है, जहाँ पे आप सेकेंड मैरिज की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो अवेल कर सकते हैं। मगर वहाँ पे बहुत सारे डिस्क्लेमर्स जो हैं वहाँ पे लगे हुए हैं, बहुत सारी लीगल चीज़ें जो हैं वहाँ पे मौजूद हैं जिसको आपको पूरा करते हुए आप इस प्रोसेस में जा सकते हैं। सो सेकेंड मैरिज के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं, यानी हैविंग टू वाइफ्स एट द सेम टाइम। हम देखते हैं कि हमारे माशरे में कुछ लोगों की डिबेट ये है कि औरतें बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई हैं तो लोगों को जो है दो दो शादियाँ, तीन तीन शादियाँ और चार चार शादियाँ, और वो जो एक मकूला आप सबने सुना होगा कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप चार शादियां जो हैं वो ज़रूर सुनिए, और जिसमें कुरान पाक का रेफरेंस जो है लोग यूजुअली देते हैं। तो ऑफकोर्स अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप दो शादियां छोड़ के चार शादियां भी कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम सोचने की बात ये ज़रूर है कि क्या ये अफोर्डेबिलिटी जो है वो क्या फाइनेंशियल अफोर्डेबिलिटी है या इसके अलावा भी कुछ और है। बिकॉज जब भी हमारे किसी के साथ डिस्कशन होती है, कोई बात होती है, तो पीपल यूजुअली से कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप दो तीन चार शादियां जो हैं वो कर सकते हैं। बट लेट मी टेल यू, दिस अफोर्डेबिलिटी इज़ नॉट ओनली अबाउट फाइनेंशियल अफोर्डेबिलिटी, यानी आपके पास पैसा है तो आप अफोर्ड कर सकते हैं, नो नॉट एट ऑल। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसी के ऊपर हम बात करेंगे। बिकॉज मैं ये समझती ये हूँ कि दूसरी शादी करना आपका हक है, आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, और अगर आप ना भी करना चाहें अपनी पहली वाइफ के साथ अपने ताल्लुक को बेहतर कर लें तो ये और भी अच्छी बात जो है वो होती है। मगर ये फैसला बहुत मुश्किल है और बहुत ही एट द सेम टाइम इसके साथ बहुत सारे थ्रेट्स जुड़े हुए होते हैं, फीमेल्स के लिए भी और मेल्स के लिए, कि क्या औरत जो है किसी भी मर्द की दूसरी बीवी बनेगी। और इसी तरह से मर्द जब ये फैसला करता है कि उसने दूसरी शादी करनी है तो उसके ऊपर भी बहुत सारे सोशल प्रेशर्स होते हैं, फैमिली प्रेशर्स होते हैं, दो उसकी ज़रूरत भी होती है या वो डिज़र्व कर रहा होता है कि उसको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, बट इवन देन बहुत सारे सोशल प्रेशर्स जो हैं वो होते हैं, फैमिली प्रेशर्स होते हैं, जिसकी वजह से ये फैसला उतना आसान जो है वो ना औरत के लिए होता है ना मर्द के लिए होता है। सो सबसे पहले तो मैं ये उन सब लोगों को जो कि दूसरी शादी करना चाहते हैं, औरतें या मर्द दोनों, जो औरतें दूसरी वाइफ बनना चाहती हैं और जो मर्द जो हैं दूसरी शादी करना चाहते हैं,
उन सब के लिए उन सबको ये मशवरा दूंगी कि आप बहुत सोच समझ के इस फैसले को करने की कोशिश करें, और इसमें सिर्फ ये ना देखें कि आप फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसमें आप ज़रूर ये बात देखिए कि क्या आप इमोशनली फिजिकली सोशली क्या इस चीज़ को कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी तक जो है, हम जितनी भी दूसरी शादियाँ देखते हैं उनकी कुछ अच्छी एग्जाम्पल्स हमें नज़र नहीं आती, बहुत कम ऐसी अच्छी एग्जाम्पल्स मौजूद ज़रूर हैं, जो कि अच्छी एग्जाम्पल हैं, मगर आम तौर पे ना तो मीडिया में वो अच्छी एग्जाम्पल्स हमें नज़र आती हैं, पोर्ट्रे नहीं किया जाता उनको अच्छे तरीके से, और ना ही हमारे इर्द गिर्द चीज़ें जो हैं हमें अच्छी नज़र आती हैं। सो वेन यू आर मेकिंग द डिसीजन ऑफ गेटिंग मैरिड अगेन, यानी सेकेंड मैरिज जो है वो आप करना चाह रहे हैं, तो उस फैसले को बहुत सोच समझ के जो है वो करें, और उसमें अफोर्डेबिलिटी जो है वो आपकी ना सिर्फ फाइनेंशियल होनी चाहिए बल्कि इमोशनल, फिजिकल, सोशल, और आपका टाइम जो मैनेज करना है वो सारी आपकी अपनी एक असेसमेंट जो है वो ज़रूर होनी चाहिए कि क्या आप ये सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सिर्फ फाइनेंशियल नज़र से मत देखिए, और बहुत सोच समझ के की शादी कीजिए कि आप करना क्यों चाहते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न। अगर आप किसी की फाइनेंशियल हेल्प करना चाहते हैं तो वो आप फाइनेंशियल हेल्प जो है किसी की शादी किए बगैर भी कर सकते हैं, क्योंकि उसका उसका उसकी इजाज़त हमारा मजहब भी देता है। हाँ, अगर आप वाकई किसी को इमोशनली भी सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपने वो जो हमारा एक मकूला है कि जी हमने किसी बेवा से शादी कर लें, डायवोर्सी से शादी कर लें ताकि ज़्यादा बेहतर तौर पर उनकी ज़िंदगी गुजर जाए, येस ऑफ कोर्स आप वो भी कर सकते हैं और करना भी चाहिए, अगर आप कर सकते हैं, आपके अंदर इस्तात है इस चीज़ की तो ज़रूर कीजिए, मगर फिर भी बहुत सोच समझ के, बिकॉज उसके जो इफ़ेक्ट्स आते हैं वो सिर्फ आपके ऊपर नहीं आते, वो आपकी पूरी फैमिली के ऊपर आते हैं, वो आपके बच्चों के ऊपर आते हैं, आपकी सेकेंड वाइफ और फर्स्ट वाइफ दोनों के ऊपर आते हैं, एंड देन कलेक्टिवली आपकी फैमिली जो है वो इफ़ेक्ट होती है। एक तो बड़ी सॉलिड रीज़न के ऊपर मैं ये समझती हूँ कि आपको बड़ी सॉलिड रीज़न होनी चाहिए जिसके ऊपर आप शादी करें। मे बी खुदा ना खास्ता जो है वो, जैसे मैंने पहले कहा कि असेस कर लीजिए कि ये सिर्फ फाइनेंशियल नहीं है, इसमें बाकी सारी चीज़ें भी जो हैं वो शामिल होनी चाहिए, और फिर आप ये डिसीजन जो है वो करें। देन अगर आपके पास बड़ा एक सॉलिड रीज़न है, क्योंकि मैं अक्सर देखती हूँ मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं, खुद हम खुद भी लोगों की दूसरी शादियाँ करवाते हैं जहाँ पे लोग जो हैं वो नहीं मैनेज कर पाते हैं चीज़ें, वो बिल्कुल उस क्राइटेरिया को पूरा कर रहे होते हैं कि शादी करनी चाहिए, तो हम उनको ज़रूर जो है उनकी हेल्प करते हैं कि वो अपने लिए स्पाउस जो है वो ढूंढ सकें, मगर उसके लिए क्या आपको ये देखने की ज़रूरत है कि क्या वाकई ही आप दूसरी शादी निभा सकेंगे, कर सकेंगे। क्योंकि अभी तक की मैं आपसे अपनी क्लिनिक की कुछ एग्जांपल्स शेयर करूंगी, मैं अपनी क्लिनिक पे बहुत, क्योंकि मैं एक कपल थेरेपिस्ट हूँ, मैरिज काउंसलिंग करती हूँ लोगों की, लोगों के मेडिकल प्रॉब्लम्स को डील करती हूँ, तो ऑनेस्टली मैंने अपनी 15 साल क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जो दो शादियों के केसेस हैं, और अनफॉर्चुनेटली उनमें से मैंने अभी भी कोई भी एक ऐसा केस नहीं देखा जिसको मैं एज एन एग्जाम्पल आप लोगों से शेयर कर सकूँ कि येस ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसको ज़रूर कर लेना चाहिए। दो के मैंने खुद लोगों की दूसरी शादियां करवाई हैं, और उसमें मैंने देखा है कि बहुत अच्छी, क्योंकि हम लोग कंपेटेबिलिटी असेसमेंट करने के बाद लोगों को रेफर करते हैं, तो वो कुछ अच्छी एग्जाम्पल जरूर मौजूद हैं, मगर वहां पे टर्म्स एंड कंडीशंस बड़ी क्लियरली पहले से डिफाइंड और सारी चीजें जो इस तरह से करने के बाद हमारे पास वो गुड एग्जाम्पल्स हैं, सही जरूर, बट देखिए क्या आपकी रीजन जो है वो वाकई जेन्युइन है या नहीं है, लाइक आपकी वाइफ के साथ आपकी कैसी बनती है नहीं बनती, आपकी ज़रूरियात पूरी होती है नहीं होती, कोई टर्मिनल इलनेस है, औलाद का कोई मसला है, कोई बड़ी जेन्युइन रीजन जो है वो आपकी होनी चाहिए जिसके ऊपर आप दूसरी शादी का फैसला कर सकें। सिर्फ ये फैसला करें बस जी मैं अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं कर लूँ, दिस इज समथिंग कि आप बड़ा शैलो बात कर रहे हैं कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं कर लूँ, ये सिर्फ फाइनेंशियल अफोर्डेबिलिटी नहीं होती। अभी बल्कि रिसेंटली मेरे पास एक ऐसा केस पे है जिसमें एक आदमी ने 15 साल पहले दूसरी शादी की, एंड ही वॉज लिविंग वेरी हैप्पीली, मगर 15 साल बाद भी वो उसको ये रिग्रेट जरूर हो रहा था कि मैंने ये दूसरी शादी की ही क्यों थी, मेरी पहली बीवी भी थी, बच्चे भी थे, मैंने अपनी जिम्मेदारियां बढ़ाई हैं या अपनी फैमिली में एक रिफ्ट क्रिएट किया है, तो यानी सब कुछ ठीक चल रहा, सब कुछ बहुत अच्छा, दूसरी वाइफ भी ही से बहुत अच्छी है, मगर एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि बर्डन जो है वो सबसे ज्यादा मेनली बर्डन जो होता है वो आदमी के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, सो दिस डिसीजन शुड बी वेरी वेरी कॉशियस और लॉजिकल होना चाहिए कि आप क्यों करना चाहते हैं, उसकी रीजंस क्या हैं, और फिर आपके जो प्रॉब्लम्स आएंगे आप उनको किस तरह से फेस करेंगे। बिकॉज ये स्टिग्मा जो है, ये सोशल स्टिग्मा जो है, ये सिर्फ औरत के लिए नहीं है कि वो किसी दूसरी औरत की जगह के ऊपर जा रही है बल्कि, या उसकी सौतन के तौर के ऊपर जा रही है, बल्कि ये आदमी के लिए भी उतना ही ह्यूमिलेटिंग है। हाँ, है तो ये एक जायज़ काम
बहुत अच्छा काम है जिसके बारे में इस्लाम तालीम देता है, मज़हब की तरफ से इजाज़त है, मगर हमारे यहाँ पे इसकी सोशल एक्सेप्टेंस उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी हमें दूसरे जो है वो सोसाइटीज़ में हमें नज़र आती है, जैसे जिनका रेफरेंस हम अक्सर देते हैं कि अरब में भी तो लोग करते थे, फलाना करते फलाना, यस वो करते हैं, बिल्कुल करते हैं, मगर वो इसलिए करते हैं कि वहाँ का कल्चर उनको अलाउ करता है, ये उनकी कल्चर की तालीमात है और वहाँ की चीज़ें जो हैं वो इसी तरह से हो रही हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ एक्सेप्टेड ओवर देयर। अगर वहाँ पे शादियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं तो वहाँ पे रिलेशनशिप का लेवल भी बहुत डिफरेंट होता है, वो जो लॉयल्टी हम यहाँ पे डिमांड करते हैं वो उसी तरह से लॉयल्टी वहाँ पे उस तरह की चीज़ें नहीं है जो रिलेशनशिप्स यहाँ पे होते हैं। सो इट इज़ अ वेरी कॉशियस जो है डिसीजन होना है चाहिए, और इसके साथ साथ आपको रेडी रहना चाहिए क्योंकि ये एक सोशल स्टिग्मा के तौर के ऊपर लिया जाता है कि आप लोगों को अप्रोप्रिएटली मुनासिब जो है जवाब दे सकें और आप फेस कर सकें, क्योंकि बहुत सारे लोग फेस ना करने की वजह से इस चीज़ को फेस नहीं कर पाते, इस शादी अपनी दूसरी शादी को यूजली लोग हिडन रखते हैं क्योंकि वो फेस नहीं करना चाहते अपनी फैमिली को, लोगों को, कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे। आपने एक हलाल और जायज़ काम किया है जिसको आपको ओन करना चाहिए सोशली और अपनी फैमिली में भी, और ये डिसीजन करने से पहले ही आपको सारी चीज़ें जो हैं वो सोच लेनी चाहिए ताकि आप जो है कल को उसको ओनरशिप जो है वो उसकी हो सके। इसी तरह से यूजली ये देखा गया है कि हमारे यहाँ पे जितनी भी यूजली जो सेकेंड मैरिजेज होती हैं बहुत कम ऐसा होता है, उनमें रीजंस बड़ी सॉलिड होती हैं जब फैमिली उसमें इन्वॉल्व होती है या पहली वाइफ से पूरी इजाज़त लेने के बाद जो है वो शादी की जाती, ऐसी शादियां बहुत कम होती हैं। ऐसी शादियां जब होती हैं तो उनके सक्सेसफुल होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, वो ज़्यादा बेहतर तौर पे चीज़ें जो है चल रही होती हैं, मगर हमारे यहाँ पे जो सेकंड मैरिज होती है यूजली वो फैमिली को नहीं पता होता, पहली वाइफ को नहीं पता होता, जब ये बात डिस्क्लोज होती है और फिर उसमें वो जो लीगल एक रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस जो है ख़ास तौर पर कि जी आपने निकाह रजिस्टर करवाना है वो भी हमारे यहाँ पर यूजली नहीं होता, जो कि लड़की के लिए जो आपकी सेकेंड वाइफ बन रही होती है उसके लिए कॉम्प्लिकेशंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और कॉम्प्लिकेशंस होती क्या हैं कि लीगैलिटी नहीं है उसके पास, कोई लीगल राइट्स उस तरह से उसके नहीं होते, सोशली वो किसी को बता नहीं पाती कि जी वो मैरिड है या नहीं मैरिड है या क्या चीज़ें चल रही हैं, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो है वो अराइज होती है। बहुत सारे केसेस मैंने खुद अपने क्लिनिक में इस तरह के डील किए हैं जिसमें ये नज़र आया है कि जी आपने बड़ा कॉशियसली एक डिसीजन ले लिया है कि जी आप दूसरी शादी करेंगे, दूसरी शादी हो गई, मोहब्बत की भी इवन दूसरी शादियाँ मैंने देखी हैं, मोहब्बत की दूसरी शादी होगी, अब आपको अपने उसी शोहर से जिसके साथ आप जानते बूझते शादी कर रही हैं एक कॉन्शियस डिसीजन ले रही हैं कि इसकी वाइफ भी है इसके बच्चे भी हैं, फिर आपको उसकी वाइफ और बच्चों से प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, और वाइफ और बच्चों से जब प्रॉब्लम शुरू होता है तो देन यू स्टार्ट फाइटिंग विद ईच अदर, वो जो आपने ये सोच के शादी की थी कि शायद इस शादी में आपको सुकून मिलेगा ये चीज़ें बेहतर होंगी, वो चीज़ें मज़ीद ख़राब होना शुरू हो जाती हैं क्योंकि हस्बैंड जो है वो उसको टाइम डिवाइड करना होता है। हम ये डिसीजन बड़ा आराम से कर लेते हैं कि दूसरी शादी कर ली जाए, मगर उसके साथ जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी होता है, उन रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि दूसरी शादी जो है वो पहली शादी जैसी नॉर्मल शादी नहीं होती, उसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो बड़ी डिफरेंट होती हैं और आपको बहुत ही और तरह से जो है वो लेके जाना पड़ता है। बिल्कुल करंट सिनेरियो बहुत ज़्यादा इस तरह का कि हमारे यहाँ पे डाइवोर्सेस जो हैं बहुत हाई हैं और सेकंड मैरिज में डाइवोर्स का रेट भी काफ़ी ज़्यादा है, और उसकी वजह जो है वो ये है कि क्योंकि फैमिली इन्वॉल्व नहीं है, पहली वाइफ इन्वॉल्व नहीं है, जब कभी ये चीज़ डिस्क्लोज हो जाती है फैमिली की तरफ से तो फिर देखा यह जाता है कि फैमिली जो कि पहले आपको ये मशवरा देती है कि हाँ हाँ तुम्हारी बीवी बहुत बद इखलाक है, बद जुबान है, चीज़ों को नहीं ठीक रखती, तुम्हारे साथ नहीं ताल्लुक ठीक, तुम दूसरी शादी कर लो, फैमिली भी ये चीज़ को बढ़ावा देती है, मगर अल्टीमेटली व्हेन यू डिसाइड ऑन तो फिर देखा ये जाता है कि वही फैमिली जो आपको मशवरे दे रही थी बड़े सालों से वो आपकी पहली बीवी के साथ स्टैंड करती है, और जब आपकी पहली बीवी के साथ स्टैंड करती है तो आपकी पहली बीवी की पोजीशन पहले से ही स्ट्रांग होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो आपके कहीं ना कहीं बच्चों की माँ होती है, तो उसकी पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, तो फिर आप पे प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है कि जी आप अपनी दूसरी वाइफ को जो है वो छोड़ दें या उसके साथ ताल्लुक ख़त्म कर लिया जाए या चीज़ें जो हैं वो मैनेज ख़राबी काफ़ी ज़्यादा जो है पैदा की जाती है। एंड एट द सेम टाइम ये भी देखा गया है कि बहुत सारी औरतें जब जब जो शादी हो जाती है, दूसरी शादी हो जाती है, जो पहली वाइफ जिसके बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स की वजह से हस्बैंड ने डिसाइड किया होता है कि दूसरी शादी करे, उसके वो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स भी ठीक हो जाते हैं और वो बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। उसकी रीज़न जो है वो ये है कि जब उसको पता चलता है कि उसका हस्बैंड अब किसी और औरत में इन्वॉल्व हो चुका है, उसके साथ शादी हो चुकी है,
तो उसको वो जो अपने बिहेवियर्स में भी वो वजन का भरना है, बदजुबानी है, टाइम का ना देना है, हक के जौजियत को पूरा ना करना है, या चीज़ों का ना ख्याल रखना, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से दूसरी शादी जो है वो की गई है, तो वही सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाती हैं और पहली बीवी के साथ फैमिली भी स्टैंड करती है, उसके बिहेवियरल इश्यूज भी मैनेज होना शुरू हो जाते हैं एंड देन सफ़र द सेकेंड वाइफ। अभी तक की जो मेरी अपनी यहाँ की जो ऑब्जर्वेशन है, जो केसेस मैंने अपने क्लिनिक पे देखे हैं, ऑनेस्टली आई हैव सीन सफरिंग सेकेंड वाइफ मोर, यानी वो ज़्यादा सफ़र करती क्योंकि उसके पास बच्चे नहीं होते, उसके पास वो लीगल राइट्स नहीं होते, उसके साथ फैमिली नहीं खड़ी होती, तो उसके लिए प्रॉब्लम्स जो हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो दैट इज़ वाई आई एम जस्ट सेइंग कि कोशिश करें कि जब ये डिसीजन करना आपका हक है, आप इसको कर सकते हैं, जब मर्जी करना चाहें आप इसको ये डिसीजन ले सकते हैं आप, बट इसको बड़ा कॉशियसली और रीजनेबली और लॉजिकली लें कि आप क्यों करना चाहते हैं और फिर आपने इसको स्टैंड कैसे करना है, क्योंकि अक्सर सेकेंड वाइफ जो है वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होती ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि हस्बैंड उसके पास कम टाइम देता है, पहली वाली बीवी के पास उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है क्योंकि बच्चे होते हैं वहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब शादी करें तो आप अपनी चीज़ों को जो है वो बहुत ही लॉजिकली जो है उसके फ्रेमवर्क में जो है वो डिसाइड करें। एक चीज़ जो बड़ी मैं आपको लेट मी टेल यू कि आप, अब मैं अक्सर मर्दों से ये बात सुनती हूँ और मेरे क्लाइंट्स ये अक्सर चीज़ें रिपोर्ट करते हैं, उसको क्या फ़र्क पड़ता है, शादी करनी है ना, वो कबूल कर ले। इट इज़ नॉट ईजियर, जो आप उससे डिमांड कर रहे हैं इतना मुश्किल है कि वो आप उससे ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो अपनी 100% चीज़ को, जो जो इंसान उसका है, वो उसको किसी के साथ शेयर कर ले, जबकि हमें पता है कि माँ जो है अपने बेटे को अपनी बहू से शेयर नहीं कर सकती, इसी तरह से बहन जो है उसको भी बड़ी तकलीफ होती है कि वो अपने भाई को शेयर कर रही है। तो शेयरिंग जो है इट इज़ वेरी 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 डिफ़िकल्ट के आप शेयरिंग जो है वो करें और फीमेल से आप ये उम्मीद करें कि जी वो शेयरिंग को कबूल कर ले। हाँ, जब आपने उससे बात करके उसको समझा के दूसरी शादी की होगी, उसको बुरा भी लगेगा, वो आपसे लड़ाई भी करेगी, आपसे नाराज़ भी होगी, बट टाइमली थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस उसके अंदर जो है वो आना शुरू हो जाएगी और फिर आपको जो कॉम्प्लिकेशंस बाद में फेस करना पड़ेंगी वो आप उन सारी चीज़ों से बच जाएंगे। सो इट इज़ रियली रियली गुड, और अब मैं कहूँगी कि ये आपके लिए एक सलूशन हो सकता है कि आप पहले से इन्फॉर्म्ड शादी करने की कोशिश करें, क्योंकि देखा यह गया है कि अगर आप इन्फॉर्म दूसरी शादी नहीं करते तो उस सूरत में डाइवोर्स जो है या सफरिंग जो है वो आदमी की और दूसरी औरत की जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और प्रॉब्लम्स जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं। दूसरी शादी को लोगों को लगता है कि इसका कल्चर जो है वो आम होना चाहिए, बेशक इसको आम किया जा सकता है, इसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है, मगर इसको आम करने के लिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि कुछ ऐसी एग्जांपल सेट हों जहाँ पे लोग बहुत हैप्पीली इक्वली हर तरह से चीज़ों को मैनेज करते हुए एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, ताकि फिर चीज़ें जो है बिल्ड की जा सकें। ये जिन मौशरों की हम बात करते हैं कि जी ये मौशरे जो हैं ये वहाँ पर जो है दूसरी शादी बड़ी ओपनली की जा सकती है, वहाँ पर ये होता है वहाँ पर वो होता है, लेट मी टेल यू वहाँ की औरत बड़ी स्ट्रांग होती है, उसका हक महर देते हुए लोग बिल्कुल नहीं रोते, वो अगर दूसरी तीसरी चौथी शादी करती है तो भी लोग उसका हक महर बहुत आराम से उसको देते हैं, मगर हमारे यहाँ पे औरत का हक महर देते हुए मुझे कहना नहीं चाहिए मगर लोगों की बहुत, यानी बातें शुरू हो जाती हैं, बहुत बातें शुरू होती हैं और फिर हम उसी औरत से ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारे घर को भी संभालेगी, हमारे बच्चे भी संभालेगी, हमारी माँ भी संभालेगी, हमारे माँ बाप भी संभालेगी एंड देन हमारी दूसरी शादी भी कबूल करेगी। दूसरी शादी आपका हक है, आप कर सकते हैं, मगर इसको थोड़ा सा जो है इस तरह से, इस तरीके से करने की कोशिश करें कि आपकी पहली शादी और बच्चे इफ़ेक्ट ना हों उससे, बिकॉज अगर आपकी पहली शादी और बच्चे इफ़ेक्ट होंगे तो डेफिनेटली आपकी सेकेंड मैरिज भी इफ़ेक्ट होगी और उसकी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। और इसका बेहतरीन तरीका जो है वो अपनी बीवी को कॉन्फिडेंस में लेना है और तभी आप ज़्यादा बेहतर तौर पे अपना आने वाला रिलेशनशिप जो है वो बना सकते हैं। मैं फिर कह रही हूँ, मैं दूसरी शादी के हक़ में नहीं हूँ, मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैंने पहले कहा कि हम लोग खुद भी लोगों की शादियाँ करवाते हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रही हूँ कि ये डिसीजन बड़ा बड़ा लॉजिकल होना चाहिए, ये डिसीजन बड़ा सोच समझ के लेना चाहिए, बिकॉज दूसरी शादी करने की सूरत में मैंने बच्चों को बहुत बहुत सफ़र करते हुए देखा है, इससे भी ज़्यादा सफ़र करते हुए देखा है कि जी आप दोनों इकट्ठे रह रहे हो और आपकी लड़ाइयाँ हो रही हैं, उस सूरत में भी बच्चे सफ़र करते हैं, मगर इस सूरत में बच्चों की सफरिंग्स जो हैं वो थोड़ी सी
ज़्यादा जो है वो होना शुरू हो जाती है। अगर आप कोशिश ये करें कि अपने जैसे आप बड़ा ही एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं जिसमें आपकी दोनों बीवियां जो हैं वो खुश रहें, तो देन मेक इट इन अ वे कि आप अपने लिए सबसे पहले सोचें, क्योंकि दूसरी शादी कर तो आप लेंगे एज मेल, आप कर सकते हैं, कर भी लेंगे, लेकिन उसको मैनेज आपने करना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आएगी, वो आपने कैसे मैनेज करना है। सिर्फ ये कह के मत डिसीजन कीजिए मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। नो, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट मनी, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट योर फाइनेंशियल स्टेटस, ये बहुत और है, बहुत कुछ और है जो आपने मैनेज करना है। मैनेज कर सकते हैं तो गो अहेड, गो फॉर दैट, शादी कीजिए, दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी कीजिए, और अगर नहीं मैनेज कर सकते तो फिर एक के ऊपर ही कनात कीजिए। सबसे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ जो है वो ये है, अपना ताल्लुक उसी के साथ जो है वो बेहतर बनाने की कोशिश करें, ताकि आप और आपकी आने वाली नस्लें जो हैं वो कन्फ्यूजन, नफरत और राइवलरी के चक्करों में ना पड़ जाएं। अपने आप को भी महफूज रखिए और अपने ताल्लुकात को भी महफूज रखिए। अगर यहाँ तक आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए। यस, एक और एडवाइस जो मैं ख़ास तौर पे उन लड़कियों को करना चाहूँगी जो नोइंगली दूसरी शादी करती हैं, वो ये है कि जब आप अपने हस्बैंड से ये डिमांड करती हैं कि जी आप मुझे टाइम नहीं देते, आप मेरे पास ज़्यादा नहीं आते, या ये उस फैमिली को ज़्यादा टाइम देता है, तो ये वो सारी चीज़ें हैं मेरे बच्चे जो आपने पहले, आपको सब पहले पता थी, यू मेड एंड नोइंगली आपने डिसाइड किया है कि आप ये शादी करेंगे और इस शादी में ये सारी चीज़ें जो हैं वो होंगी। अक्सर ये देखा गया है कि औरतों को ये लगता है कि जब वो बीमार हो जाएंगी, या वो जब साइकोलॉजिकल, क्योंकि वो डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जब वो बीमार हो जाएंगी तो शायद उनके हस्बैंड्स जो हैं उनको ज़्यादा तवज्जो देना शुरू हो जाएंगे। इट डज़ नॉट हैपन। एक बीमार आदमी जो होता है, आप, मैं समझती ये हूँ कि औरतें ज़्यादा रीज़न्स देती हैं अपने शोहरों को कि वो दूसरी शादी कर लें और फिर वो दूसरी के बाद तीसरी शादी भी कर लें। कोशिश ये करें कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा सेहतमंद रखने की कोशिश करें। अपनी, आपकी सेहत आपकी ज़िम्मेदारी है, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों आपकी ज़िम्मेदारी है, इसको बेहतर रखने की कोशिश करें। और ये जो कहीं आपको लगता है कि बीमार होने की वजह से आपके शोहर आपका हो सकता है, तो ये थोड़ा सा एक मुश्किल चीज़ जो है वो है, बिल्कुल है, बल्कि आप उसको रीजंस दे रही हैं कि वो आपको छोड़ के चले जाएं। सो लुक आफ्टर योर मेंटल हेल्थ, लुक आफ्टर योर फिजिकल हेल्थ, ताकि आपके हस्बैंड जो हैं वो आपके साथ हंसी खुशी जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। कोई सवाल है तो ज़रूर पूछिए, और अगर कोई सवाल नहीं है तो कॉमेंट कीजिए। आई वुड लव टू हैव योर कॉमेंट्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी ज़िंदगी के बारे में अच्छी च्वाइसेस कीजिए, कॉशियस डिसीजंस लीजिए, बिकॉज जो कुछ भी आपके डिसीजन की वजह से होगा उसको सफ़र आपने करना है, किसी और ने नहीं करना है, ना आपकी फैमिली ने करना है, ना आपके दोस्तों ने करना है, ना किसी और ने करना है। इट्स ओनली यू हु इज जस्ट गोइंग टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज। सो मेक अ वेरी 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 कॉन्शियस लॉजिकल डिसीजन, शादी करें या ना करें, दैट शुड बी कम्प्लीटली योर चॉइस, मगर ये डिसीजन बड़ा कॉन्शियस होना चाहिए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट थर्सडे इंशाल्लाह तआला, किसी नए टॉपिक के साथ, किसी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक पे हम दोबारा बात करेंगे। और अगर आप खुद चाहते हैं कि किस टॉपिक के ऊपर बात की जा सके तो हमें ज़रूर सजेस्ट कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। OCD पे मैं ज़रूर टॉप वीडियो बनाऊंगी जी। ऑलरेडी कुछ मेरी वीडियोस जो हैं वो YouTube पे पड़ी हुई हैं OCD के ऊपर, आप वो चाहें तो ताहिर अरबाब YouTube के ऊपर जाके आप उनको देख सकते हैं, अदरवाइज़ हम उसको ज़रूर बनाएंगे। मेरा WhatsApp नंबर जी, मेरा क्लिनिक नंबर आपको मेरे पेज पे मिल जाएगा। आप में से जो कोई हमारे साथ अपनी अपॉइंटमेंट सेट करना चाहे वो कर सकता है। थैंक यू सो मच जी, आपकी मोहब्बतों और दुआओं का और अप्रिसिएशन का। ओके जी, अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।